बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 और उसका बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा। टोटल इसके 5 सवाल है, ये इसका चौथा सवाल है बेटा। इसमें हमें ये एक फार्मूला दिया हुआ है, एरिया का ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, और आगे कहते हैं आर की वैल्यू अगर 15 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, तो आपने एरिया यानी कि ए की वैल्यू जो है वो क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है, ए का आंसर निकालना है लॉगरिथम की मदद से। तो किस तरह से करेंगे बेटा, अब हमने ये जो फार्मूला है इसमें जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर देनी है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। ए इज इक्वल टू पाई की जगह बेटा 22/7 आ गया, उसके बाद r की जगह क्या आ गया 15, और ऊपर क्या आ गया बेटा ये वाला स्क्वेयर आ गया। पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दी और r की जगह r की वैल्यू रख दी, बाकी वैसे लिख दिया a हमने फाइंड करना है। अब बेटा इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हमने नहीं करना है, इसको लॉगरिथम की मदद से करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, फिर दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग a का भी ले लिया बेटा, और लॉग यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 22/7, और बेटा साथ है मल्टीप्लाई 15^2। अब बेटा ये दो वैल्यूज़ हैं, ये अलहदा है और ये अलहदा है। अब इसकी पावर है, अगर तो सारे की पावर होती तो ये 2, अगर दोनों रकमों की पावर होती तो उसको हम शुरू में ले आते, लेकिन अब हम लॉग अलहदा अलहदा करेंगे। ये लॉग ए ऐसे ही, ये बेटा 22 का लॉग अलहदा किया, उसके बाद डिवाइड, उसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा माइनस, और 7 का लॉग अलहदा कर लिया। फिर ये मल्टीप्लाई है बेटा तो प्लस आएगा, और लॉग 15^2 का अलहदा कर लिया। अब लॉग ए इज इक्वल टू, ये लॉग 22 ऐसे ही आ गया, माइनस लॉग 7 भी ऐसे ही आ गया, प्लस ये बेटा पावर है तो इसकी पावर शुरू में आ जाएगी लॉग की, और लॉग 15 ऐसे आ जाएगा बेटा। अब इसकी बेटा आपने ये लॉग ए इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू निकालनी है बेटा। कैलकुलेटर पकड़ेंगे हम और इनकी वैल्यू लिखेंगे, पहले लॉग 22, तो जब लॉग 22 की वैल्यू निकाली तो बेटा ये हमें कैलकुलेटर बता रहा है 1.3424, ये आ गई माइनस। अब बेटा लॉग 7 की वैल्यू निकालनी है, लॉग 7 तो ये बेटा आ गया 0.8451, प्लस ये वाला 2 बेटा ऐसे ही लिखेंगे, और इसका लॉग 15 का आंसर निकाल लेंगे कैलकुलेटर से। लॉग 15 इक्वल होता है बेटा हमारे पास 1.1761। उसके बाद ये लॉग किस तरह से लेते हैं बेटा, पिछली इस पूरी एक्सरसाइज में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अब लॉग ए इसको ऐसे लिख लिया इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू बेटा 1.3424, ये भी ऐसे ही आ जाएगी 1.3424। उसके बाद बेटा ये माइनस 0.8451, माइनस 0.8451, ये भी ऐसे ही आ गया। उसके बाद बेटा प्लस, अब नेक्स्ट ये जो वैल्यू है ये 2 बेटा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको 2 मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा 1.1761 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.3522 आ गया। अब लॉग ए इज इक्वल टू, इन सबको बेटा प्लस माइनस आपने कर लेना है, ये वैल्यू ये और ये सारी जब प्लस माइनस होंगी तो आपके पास क्या आएगा 1.3424, और इसमें से बेटा फिर माइनस आपने करना है 0.8451, और फिर प्लस करना है 2.3522, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा सबको प्लस माइनस करके 2.8495, ये आ गया बेटा। अब हमने ए निकालना था तो ए के साथ लॉग है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता होता है एंटी लॉग, तो ये जो लॉग है ए के साथ इस तरफ आके एंटी लॉग हो जाएगा 2.8495। अब इस रकम का बेटा एंटी लॉग ले लेना है,
इज इक्वल टू एंटी लॉक के लिए क्या करना है बेटा, शिफ्ट का बटन लॉक का बटन दबाना है, छोटा सा 10 बन जाएगा एंटी लॉक हो गया और साथ ये रकम लिख देनी है, तो आपका आंसर बेटा आ जाएगा 707.13। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया एरिया का। अगर इसमें बेटा आपको कोई भी मसला हो, जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर बेटा जो है वो 4 वाला सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का ये सॉल्व हो गया बेटा, इसमें अगर हम आपको कोई भी मसला है किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो मुझे नीचे नंबर है मेरा स्क्रीन पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।